न्यूज फुड खबर भरोसे की। हिंदी सिनेमा के दमदार एक्टर अर्जुन कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म कुत्ते का टीजर कर दिया गया है रिलीज। अर्जुन कपूर की ये फिल्म काफी लंबे वक्त से अपने टाइटल को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि ये फिल्म 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। वैसे ही इस फिल्म का एक टैगलाइन जिसका शीर्षक है एक हड्डी के पीछे पड़े हैं 7 कुत्ते, जिसका डायलॉग लोगों के होठों पर चढ़कर खूब बोल रहा है। फिल्म में अर्जुन कपूर के अलावा बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह, कुमुद मिश्रा, एक्ट्रेस तब्बू, कोंकड़ा सिंह और राधिका मदान लीड रोल में मौजूद हैं। अर्जुन, कुमुद और तब्बू फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। अर्जुन कपूर की इस फिल्म का टीजर फैंस के एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है। इस ट्रेलर के कैप्शन में अर्जुन कपूर ने लिखा है, हटो कमीने कुत्ते आ गए। तो आइए बिना देर की एक नजर डालते हैं फिल्म कुत्ते के टीजर पर एक नजर। तेरा होने वाला पति इधर नीचे बैठा है। लवली क्या चाहती है तू? संभोग। अत्याचार से मुक्ति पानी हो तो इसे फोड़ डालना। फिल्म कुत्ते के ट्रेलर से ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में करप्ट पुलिस ऑफिसर की कहानी को दिखाया गया है। वहीं फिल्म कुत्ते में नक्सलियों के टच को भी दिखाने की कोशिश की गई है। अर्जुन कपूर की इस फिल्म की बात करें तो नए साल 13 जनवरी सन 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। वहीं बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज फिल्म कुत्ते के जरिए बतौर डायरेक्टर अपने फिल्मी करियर का आगाज करने जा रहे हैं। फिल्म के टाइटल कुत्ते को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। फिल्म का टीजर देखने के बाद आपको डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म कमीने की याद आ जाएगी। इस फिल्म में 7 लोगों की कहानी को दिखाया गया है जो कि सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं। पूरी फिल्म की कहानी को समझने के लिए आपको फिल्म के रिलीज का इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ जहां शाहरुख खान की फिल्म पठान अपने गाने को लेकर चर्चा में है, वहीं अर्जुन कपूर की फिल्म अपने टाइटल को लेकर भी चर्चा में है। अब देखना आगे ये होगा कि फिल्म कुत्ते के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से न्यूज़वुड सिनेमा बॉलीवुड के लिए साकिब जकरिया की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।